नमस्ते वेबमास्टर्स, हमारी इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की ओर। विनोद ने हमसे पूछा है, मेरे पास एक बहुभाषीय वेबसाइट है जो अंग्रेजी और हिंदी में है, पर मैं हिंदी कंटेंट इंग्लिश में लिखता हूँ, क्या यह चिंता का कारण है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर मैं हिंदी कंटेंट इंग्लिश में लिखता हूँ तो यह परेशानी की एक वजह हो सकता है। हिंदी कंटेंट का भविष्य क्या है? तो विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। और कई वेबमास्टर्स हमसे अक्सर यही सवाल पूछते हैं। तो जहाँ तक हिंदी कंटेंट की बात है, तो वर्तमान में भारत में 52 करोड़ हिंदी बोलने वाले लोग हैं और दुनिया भर में यह संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा है। इनमें से जो लोग दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी बोल सकते हैं, बड़ी संख्या में वो पहले से ही ऑनलाइन हैं। तो ऐसे में आज ऑनलाइन आने वाले अधिकांश लोग मूल हिंदी भाषी हैं और वे अपनी ही भाषा में कंटेंट ढूंढ रहे हैं। KPMG ने 2017 में भारतीय भाषाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की थी जो ये बताती है कि 2021 तक भारत में 20 करोड़ हिंदी बोलने वाले लोग ऑनलाइन आएंगे। हमारे अपने निष्कर्ष भी हमें ये बताते हैं कि 2012 से 2015 के बीच में हिंदी सर्च क्वेरीज 3 गुना बढ़ी हैं, जबकि समाचार शब्द जो है उसका सर्च 2013 से 2015 के बीच में दुगना हुआ है। तो ये सभी रुझान हमें स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि आने वाला समय हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट का है। जहाँ तक कंटेंट की बात है, तो गूगल के दिशा निर्देश हमेशा एक ही रहे हैं कि ये अपना कंटेंट आप यूज़र्स के लिए और उनके अनुसार बनाएं, और ये बात भाषा के लिए भी समान रूप से मान्य है। तो अगर मान लीजिए आपके यूजर्स हिंदी में अपने कंटेंट को पसंद करते हैं, तो आपको हिंदी में लिखना चाहिए। अगर इसी जगह आपके जो उपयोगकर्ता हैं या जो कंटेंट पढ़ने वाले लोग हैं वो इंग्लिश में कंटेंट की तलाश कर रहे हैं, तो आप बेझिझक इंग्लिश में अपना कंटेंट लिख सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार के डर या झिझक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आशा है कि इस वीडियो से हम वेबमास्टर्स के इंग्लिश कंटेंट संबंधित प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं। अगर आपके पास आगे कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमारी इंडिया जी प्लस कम्युनिटी या वेबमास्टर हिंदी प्रोडक्ट फोरम पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इनकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही एक और वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।